इस वीडियो पर जरा गौर फरमाइए। ये वीडियो फतेहाबाद के एक फर्नीचर की दुकान से सामने आया है। अब जाहिर सी बात है, फर्नीचर की दुकान है तो लोग फर्नीचर ही लेने आएंगे, लेकिन एक बार अपनी नजर इस लड़की पर डालिए। ग्रे रंग की शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स, हाथ में थैला पकड़े 420, कभी दाएं देखता तो कभी बाएं देखता, कभी ऊपर देखता तो कभी नीचे। देखिए कैसे चुंबक की तरह सफेद कुर्ते वाले से चिपकता नजर आ रहा है ये लड़का। ये चोर अपने हाथ धीरे धीरे थैले के पीछे छिपाकर सफेद कुर्ते वाले की करीब ले जाता है। सबसे पहले साइड में बैठे अंकल की जेब में झांकता है। जेब में पैसों की गड्डी देख खुश भी होता है, लेकिन समस्या ये कि सामान निकाले तो निकाले कैसे। तभी एकदम से थैले की आड़ में चोर अपना हाथ कुर्ते की जेब में डालकर पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी व्हाइट कुर्ता पहने अंकल जी उसे घूरने लगते हैं और इसी से सकपका कर चोर अपना हाथ पीछे कर लेता है और ऐसे ही इस चोर की पहली कोशिश नाकाम हो जाती है। लेकिन भैया ये चोर कम नहीं है, पहली बार ना सही तो दूसरी बार फिर से इस चोर ने अंकल जी की जेब में हाथ डालकर पैसे निकालने की कोशिश की और इस बार वो पैसे निकालने में कामयाब भी हो गया और वो भी पूरे 50,000 रुपए कैश। अब सोचिए चोरी की वारदात इतने सारे लोगों के बीच में हुई और किसी को इस पर शक तक नहीं हुआ। अब डाका तो मार लिया, पर डर का आलम इस कदर कि यहाँ से बाहर निकले तो निकले कैसे। तभी पीछे खड़े लड़के को शक हुआ और वो पास में आकर चोर को घूरने लगा, जिसे देख चोर की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और तभी ये 420 वहाँ से फरार हो गया और ये पूरी वारदात CCTV में कैद होती चली गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। चंडीगढ़ रोड कोना, तो वहाँ पे कुछ 3 आदमियों ने इसके अपने 50,000 रुपये चोरी करके ले गए, जिस पे मुकदमा 379 का दर्ज करके आज तफ्तीश की। तो कि क्या कुछ गिरोह भी है या अकेले ही सब? देखो अभी फुटेज पे तलाश कर रहे हैं और तलाश करने पर ही बाद में पता लगेगा जब अरेस्ट होंगे।